हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 5 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करेंट का वहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है उसको, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस इलेक्ट्रिक मोटर का वो है 220 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे जो डिटरमाइन करना है यानी कि पता करना है कि उस मोटर का पावर कितना है, पहली चीज़, ओके, एंड दूसरी चीज़ वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी 2 आवर्स तक के अगर हमको उसको चलाना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे पूछा गया है पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमने आपको पावर वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। तो यहाँ पे पी होता है पावर, वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस और आई होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो है 220 वोल्ट और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है 5 एम्पियर। ओके, तो सिंपली इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो वी और आई यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो वी की वैल्यू है 220 एंड आई की वैल्यू है 5, राइट। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1100, और पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। तो इस तरीके से 1100 वॉट की ये इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास है, ये इसका पावर हो गया। अब बात करते हैं कि 2 आवर्स तक अगर हम इस इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हैं तो कितनी एनर्जी बेसिकली कंज्यूम करने वाला है। तो जब भी स्टूडेंट्स अगर हमको पता करना है कि कितनी एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर कंज्यूम करने वाला है तो उसका फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो ये टी है टाइम है एंड पी जो है वो पावर है, लेकिन टाइम की वैल्यू आपको सेकेंड्स में पुटअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 आवर्स दिया है तो पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 3600 सेकेंड्स। इसको हम 60 मल्टीप्लाई 60 लिख सकते हैं यानी कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। आप चाहें तो डायरेक्टली 3600 सेकेंड भी लिख सकते हैं। ये हो गए 1 आवर में, हमको निकालना है 2 आवर में तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल मिला के 7200 सेकेंड होते हैं 2 आवर्स में। तो अब हमारे पास पावर की भी वैल्यू पता है हमको और टी यानी कि टाइम की वैल्यू पता है तो सिंपली वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो 1100 जो है ये वॉट में हमको वैल्यू मिली हुई थी एंड टाइम की वैल्यू है 7200 सेकेंड्स। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 11 2 ज़ा 22 कैरी आया 2, 11 7 ज़ा 77 प्लस 2 दैट इज 79, राइट। एंड जीरो लगेंगे 1 2 3 4 तो हम सिंपली यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। पर बेसिकली स्टूडेंट्स हम इतनी बड़ी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना प्रिफर नहीं करते, तो हमको इसको साइंटिफिक वे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमने आपको बताए हुए कि साइंटिफिक वे से जब डाटा को या किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। इस नंबर में अगर पॉइंट कहीं भी नहीं है तो ये पॉइंट जो है वो लास्ट में होता है, आपको ये बात पता होगा। नहीं है तो आज मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट सबसे लास्ट में होता है। इसको सिंपली हमको मूव करना है फर्स्ट डिजिट के बाद यानी कि 7 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट जो है हमने वो मूव कर दिए हैं पॉइंट। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी 7.92। और क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 6 डिजिट मूव किए हैं तो 10 to the power of 6 हो जाएगा ये। और क्योंकि हम एनर्जी की बात करते हो, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, तो हम सिंपली यहाँ पे जे फॉर जूल लिख देंगे। तो इस तरीके से जो इस इलेक्ट्रिक मोटर के पावर की बात करते हैं तो ये 1100 वॉट, अगर इसको किलो वॉट में प्रेजेंट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.1 किलो वॉट। आप सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं इतना ही आएगा। एंड जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है ये एनर्जी कंज्यूम करने वाली है वो है 7.92 × 10⁶ जूल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।